क्या नाम है आपका? शमशालम खान। कितनी उम्र है? 38। क्या करते हैं? पटने के हैं, शीशम दरभंगा सदर ब्लॉक के अंतर्गत शीशम पटनी पंचायत के मुखिया है। ये कैसा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम, हमने ये पहली बार देखा कार्यक्रम। टीकाकरण का कार्यक्रम तो हमेशा चलते आया है, बचपन से देख रहा हूँ, टीका लगवाया हूँ। पहले जो टीका चलता था 5 लगाने वाला, वो निशान आज भी हमारे पास हाथ में है। 5 लगाने लोग कहते थे, तो वो टीका हम लोग लगाए बचपन, वो तो याद नहीं है, लेकिन टीका जो है आज भी लगा हुआ, वो ये निशान है। टीका से तो बचपन से सबका रिश्ता रहा, लेकिन टीका करने का जो अभियान यूनिसेफ ने चलाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लोग कोई बात को समझाने के लिए लाख चिल्लाते रहे, लोग नहीं समझेगा, लेकिन एक टेक्निकल मेडिसिन के थ्रू जो समझाया जा रहा है, तो बच्चे को टीका के बारे में जानकारी है। जैसे बहुत अच्छी बात आपने कहा कि ककड़ की जैसे जब पढ़ाई होती है, वैसे ककड़ टीका 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 ही बच्चे लोग, नहीं कि टीका बच्चे अभी 10 मिनट के अंदर में याद कर लिए। बच्चे आपका क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिए, लोग पुरस्कार भी लिखे गए, मेडिसिन ने क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छा लगा, जानकारी हो गई। बच्चे गार्जियन को बता रहे हैं, हैंडबिल जो होता है इलेक्शन में जो हम लोग बांटते हैं, तो बच्चे को ज्यादा देते हैं, ज्यादा नहीं देते, क्योंकि बच्चे चिल्लाते रहते हैं, ज्यादा सुनता रहता है, वो काम होता है। तो ये चीज अच्छा चीज लगा, ये चीज हो जाए। मेरे कहना है कि ये चीज आप लोग चलाइए, जनप्रतिनिधि लोगों का सहयोग लीजिए, इसका आपको मिलेगा जनप्रतिनिधि, क्योंकि इसका अभी चाहते हैं कि आपके आपके क्षेत्र में। ये मैं चाहता हूँ कि आप 13 डंडा कम से कम, मैं और जिला का बात नहीं करूँगा, दरभंगा में डाल दें, क्योंकि आपका भी बहुत अच्छा अभियान है, ये दरभंगा में डाल दें और सदर ब्लॉक के पंचायत और भी ब्लॉक के पंचायतों में जाएँ, जनप्रतिनिधि सहयोग लें, भारी मात्रा में लोग आएंगे। 8-10 लोग हैं, सरपंच लोग हैं, समिति लोग हैं, आपको पंचायत के सारे लोग हैं। हम लोग जिसको एक बार में बोलते हैं 5 का फोटो स्टेट करा के लाओ, तो 10 को फोटो स्टेट करा के लाता है, वो क्या बोले हैं, जरूर कोई फायदे की बात होगी। तो हम लोग बोलेंगे 5 आदमी से आओ, तो जरूर 5-7 लोग आएंगे और जानकारी मिलेगी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं चाह रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपके गाँव में भी इस तरह की जानकारी? मैं चाह रहा हूँ, हाँ, मेरे गाँव में भी एक प्रोग्राम हो, मेरी खाइश भी है, संपर्क भी किया था प्रोग्राम के बाद, आप लोगों गाँव में ही प्रोग्राम हो और 1-2 दिन पहले खबर हो, और खबर होने के बाद हम लोग लोगों को इकट्ठा करेंगे और अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छा सराहनीय प्रोग्राम है। और मैं ये एक बात और भी लास्ट में आपके को थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टीका हमेशा पड़ता रहे, टीका की ज़रूरत न पड़े। ये बात भी थोड़ा सा मेडिसिन लोगों से एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, टीका की ज़रूरत इसलिए ना पड़े, स्वच्छता पर ध्यान दें, खुले में लोग शौच न करें, तो शायद टीका की ज़रूरत न पड़े। लेकिन जब तक ज़रूरत है टीका की ज़रूरत है, टीका पड़े, लेकिन एक लास्ट में आपने चलाइए मेरी ख्वाहिश है, भैया स्वच्छता पर भी आपने ध्यान। आप जानते हैं कि टीका जो है वो बचाव के लिए किया जाता है। हाँ, बचाव के लिए। तो आप कि आगे की बीमारी ना हो, अगर अभी आपको आपको अगर मिल जाए, हाँ, कि अगर कोई ऐसा टीका मिल जाए कि भाई हम टीका देते हैं जिसकी वजह से हम 100 साल जिंदा रह सकें, तो आप ज़रूर लेंगे। लेंगे ना, तो वो अमृत लेते हैं ना कि भाई हम जिंदगी रहें, तो उसी तरह से टीका एक बचाव छतरी है जो बचाव करता है, तो नहीं लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टीका नहीं पड़ेगा, टीका जिसमें आपका टीका है उसमें बहुत सारा ऐसा टीका है जो गंदगी से भी बीमारी बहुत पैदा है, 2-4 साल के बच्चे को भी अटैक करता है, पोलियो अटैक करता है, गंदगी खुले में शौच लोग करते हैं, उसके कीड़ा पड़ता है, उस कीड़े से भी पोलियो की बीमारी खुले में शौच से भी होती है। ये ना हो, ये भी बताइए, स्वच्छता पर ध्यान दें। प्रखंड में अभी क्या इम्यूनाइजेशन कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, और लेकिन जानकारी नहीं है लोगों को, जानकारी बहुत अच्छे से नहीं है। यूनिसेफ को सब जानता है, मैं बता रहा हूँ टीकाकरण के बारे में, टीकाकरण के बारे में सब जानता है। बच्चे लोग स्वास्थ्य विभाग में, बच्चे की माँ बच्चे को लेती है, कहाँ जा रहे हैं, टीका कराने जा रहे हैं। अब कौन टीका है इसकी जानकारी आप दे दीजिए, क्योंकि बच्चे की माँ एक कार्ड लेके जाती है, उसी कार्ड में लिखा है कंपाउंडर कौन टीका, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कौन टीका दे रहे हैं, उस बच्चे की माँ को उससे मतलब नहीं। टीका मेरे बच्चे को पड़ गया, टिक कर दीजिए डॉक्टर साहब, अब कौन पढ़ना है आगे वो बता दीजिए डॉक्टर साहब। ये चीज़ आप बताइएगा तो महिला जाके बोलेगी कि फलनवा टीका पड़ गया है, फलनवा बचा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ वो आप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सराहनीय है आपका।